खुले में शौच जाना भारत की एक बड़ी समस्या रही है। वहीं इस समस्या से निपटने में करीब 90 देशों की प्रगति धीमी है, जबकि भारत ने इस चुनौती से निपटने के लिए अपने प्रयास को उच्च स्तर तक पहुंचा दिया है। इस बात का स्पष्टीकरण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट में सोमवार को किया गया। प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच हो शौचालय तक। जी हाँ, स्वच्छता और स्वास्थ्य पर अपने पहले वैश्विक दिशा निर्देश को जारी करते हुए WHO ने कहा कि 2030 तक दुनिया सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। जहां दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच बुनियादी शौचालय तक हो, जो मल मूत्र को सुरक्षित ढंग से समाविष्ट कर सके, ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि इससे जूझ रहे देश व्यापक नीति नहीं अपनाते हैं और इसमें निवेश नहीं बढ़ाते हैं। WHO ने एक बयान में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान तेजी से बढ़ रहा है, जिसके तहत लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मूलभूत स्वच्छता की सुविधा तेजी से पहुंचाई जा रही है। दुनिया भर में 2.3 अरब लोग शौचालय की बुनियादी स्वच्छता की सुरक्षा से वंचित हैं और इसमें से करीब आधे लोग को खुले में शौच करना पड़ता है। और ऐसे में WHO का ये मानना कि भारत जल्द ही इस बड़ी परेशानी से मुक्त हो जाएगा, भारतीयों के लिए बड़ा अच्छा संकेत है। क्यूरियन हेल्डेक्स की रिपोर्ट।